41 वर्षीय वसीम जाफर ने हासिल किया खास मुकाम, सबसे ज्यादा रणजी मैच खेलने वाले बने खिलाड़ी। अनुभवी बल्लेबाज वसीम जाफर ने सोमवार को रणजी ट्रॉफी 2019-20 में एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। विदर्भ की तरफ से और आंध्र के खिलाफ मैदान में कदम रखते ही उन्होंने अपने नाम एक और खास रिकॉर्ड दर्ज करा लिया। 41 वर्षीय जाफर अब 150 रणजी मैचों में शिरकत करने वाले भारत के पहले और एकलौते क्रिकेटर बन गए। इस सूची में उनके बाद सबसे ज्यादा रणजी मैच खेलने का रिकॉर्ड देवेंद्र बुंदेला के नाम है, जबकि अमोल मजूमदार 136 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। 1996-97 में रणजी में डेब्यू करने के बाद से जाफर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक उपलब्धि अपने नाम करते गए। तब से अब तक जाफर ने घरेलू क्रिकेट में 40 शतक जड़े हैं, जो एक रिकॉर्ड है। वे साल 2018 में रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 11,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। घरेलू क्रिकेट में जाफर अब तक 19,147 रन बना चुके हैं। वसीम जाफर ने भारत की तरफ से 31 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 34.10 की औसत से 1944 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 11 अर्धशतक भी लगाए हैं। जाफर के नाम पर 2 दोहरे शतक भी दर्ज हैं।